मैं डॉक्टर अभिषेक कुमार आज आपको ये चलूँगा मधुबनी के एक बेहद ही प्रख्यात गांव जो है जितवारपुर। जैसा कि आप जानते हैं मधुबनी में मधुबनी चित्रकला बनाने की परंपरा कई हजार साल पुरानी है, लेकिन आधुनिक युग में जब बात आती है तो 1934 के भूकंप को एक लैंडमार्क माना जाता है। WG ग्रेस के इतिहास से जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि 1966 ईस्वी में भास्कर कुलकर्णी जो ऑल इंडिया हैंडीक्राफ्ट बोर्ड से आए थे वो इसी रास्ते से चलकर जितवारपुर गांव गए थे। आज ये जितवारपुर प्रख्यात है अपनी अपनी विधाओं के लिए, जो कई अलग अलग विधाएँ जैसे कि कचनी, भरनी और गोदना। मैं आपको बता दूं कि मधुबनी के कई ऐसे गांव हैं जहां मधुबनी चित्रकला बनाई जाती है, लेकिन ये जितवारपुर इसलिए प्रख्यात है कि स्पेशली गोदना शैली की शुरुआत यहीं से हुई थी। जैसा कि हम देख पा रहे हैं हमारी बाईं ओर रमा प्रसाद दत्त जनता उच्च माध्यमिक विद्यालय जितवारपुर है। इसी हाई स्कूल के बगल में जितवारपुर के स्वास्थ्य केंद्र के लिए भी स्थल का चयन हुआ है और अब हम इस मार्ग से होते हुए जितवारपुर की ओर आगे बढ़ेंगे। अभी हम लोग खड़े हैं जितवारपुर के हस्तकला आश्रम में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे पीछे महिलाओं का एक समूह है जो मिथिला चित्रकारी पर अपना काम कर रहा है। हमारी बाईं तरफ जो एक बिल्डिंग है हम उसमें देखते हैं कि जो हमारी जीविका दीदियाँ होती हैं वो वहाँ मिथिला चित्रकला के बारे में सीख रही हैं, जानकारी प्राप्त कर रही हैं और प्रैक्टिस भी कर रही हैं। यहाँ से सटे हुए भूभाग में एक बड़ा सा क्षेत्र है जिसका चयन किया गया है यहाँ प्रस्तावित म्यूजियम के लिए, हस्तकला उत्पादन केंद्र के लिए, साथ ही साथ यहाँ पर एक सुख सुविधाओं के साथ गेस्ट हाउस भी बनाया जाएगा जिसमें बाहर से आए हुए हमारे अतिथिगण ठहरा करेंगे। तो विदेशी अबे छथिन कतौ सँ हम तऽ दठम जाइ छी, समस्या छै न टॉयलेट न ओहिठाम बढ़िआँ सँ हुनका रहके लेल, घूमऽ तऽ बड्ड लोक अबै छै, सबके मधुबनी जाय पड़ै छनि। तऽ जैसा कि आप देख पा रहे हैं जितवारपुर गांव में जाने से पहले हम देखते हैं गांव का एक सुरम्य वातावरण जहां की एक बहुत ही खूबसूरत तालाब है। तालाब के किनारे काली मंदिर है जो तंत्र मंत्र की साधना के लिए प्रख्यात है। अभी हम खड़े हैं अमर शहीद स्वतंत्रता सेनानी बलदेव झा उर्फ बाबा गरीबदास जी के इस समाधि स्थल पर, और थोड़ी दूर आगे चलकर हम पाएंगे पद्मश्री बउआ देवी का घर। तो आइए हम लोग चलते हैं पद्मश्री बउआ देवी के घर पर। बउआ देवी को मधुबनी चित्रकला में उनके उत्कृष्ट प्रयास के लिए, योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से वर्ष 2017 में नवाजा गया है। 13 साल के उम्र से हमर चलिए रहा कलम आ हमरा नौ गाँव के कोनो नहीं छला तक हम अपन काज में जे हमरा ओहि पीछे कोनो नहीं है। पद्मश्री लोग कहे तो हम बुझे तो हमरा नहीं कोनो है, हमरा बहुत चीज भेट गया नहीं भेटल भेटल तय नहीं भेटल, जे हमर काज है जे हमर काज है से अखन हमारा पूरा वही में जिंदगी समाप्त है आ मनो लगे वही में भेटल किछु तऽ आर बढ़िआँ भेल। आ अब जे नया पीढ़ी छै ओकरो सबके भेटै तऽ आर खुशी है, आ आगा ई चीज मरै नहि आगा चलैत रहै। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर जितवारपुर गांव खत्म हो जाता है और इनके घर के बगल से ही एक रास्ता अंदर गया है जो हमें जितवारपुर के जितने कलाकार हैं उनके घरों तक ले जाएगा। हम लोग पद्मश्री बउआ देवी के घर के बगल से चलते हैं जितवारपुर गांव की ओर जहां सघन आबादी है। मैं आपको बता दूं कि जितवारपुर गांव में जाने के लिए 3 अलग अलग रास्ते हैं। एक रास्ता उस तरफ है, एक रास्ता इसके बाद है, ये बीच का रास्ता है जिससे हम लोग जितवारपुर गांव की ओर जा रहे हैं। जितवारपुर गांव में लगभग 20 से 22 मीटर अंदर आते ही हमारा सामना होता है पद्मश्री सीता देवी के घर से। सीता देवी वो नाम है जो मधुबनी चित्रकला को आज स्थान दिलाने में अग्रणी रही हैं। जैसा कि हम जानते हैं जगदम्बा देवी के बाद सीता देवी वो नाम है जिसे राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया था। आज भी उनके परिवार के बहुत सारे सदस्य उनकी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं। हम अब उस तरफ नहीं जाएंगे, हम इस तरफ से जाएंगे क्योंकि आगे आबादी थोड़ी विरल हो गई है। इधर से हम सघन आबादी की ओर जाएंगे जहां बहुत से
कलाकार आज भी मिथिला चित्रकला की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आइए, मिथिला पेंटिंग में जन्मदाता जितवारपुर कहना चाहिए। अगर मार्केट के वैल्यूबल आज मिथिला लोक चित्रकला के नाम सुन रहे हैं, देख रहे हैं पूरे दुनिया में, तो प्रथम जो है जितवारपुर ही इसका अग्रिन है, क्योंकि यहीं से एक भगवती के रूप में, देवी के रूप में कलाकार जन्म लिए और इसको विश्व स्तर पर ले गए। आज उन्हीं का देन से हम युवा में भी एक जोश है और बनाते हैं, एक रोजगार है, एक रोजगार का बहुत बड़ा सृजन है, बहुत बड़ा मार्केट है, पूरा ग्लोबल मार्केट, पूरा वर्ल्ड का मार्केट है मिथिला पेंटिंग का। सर, ये घर है नेशनल अवार्डी स्वर्गीय चानो देवी का, जिन्होंने मधुबनी पेंटिंग को एक नई पहचान दिलाई। विशेषकर गोदना शैली के उत्थान में इनकी जो भूमिका है वो बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस जमाने में जब इस गांव में नट्टी नाती थी और महिलाओं के बदन पे गोदना बनाती थी, ये पहली महिला थी जिन्होंने उस चीज़ को इंस्पिरेशन लेकर के कागज़ पे उतारा और लोगों के बीच प्रस्तुत किया। आज ये हमारे बीच नहीं है, इनकी बहू है। हमारे चानो देवी सब छलखिन, हुनका से हम सब अपन सीखा लगलिए, सीखा लगलिए तो सीख लेलिए सर, तो हमसब वह सब बेच कर आनि दै छलखिन, तकर बाद से हमरा अपना बर हमर रिक्शा चलबै छलखिन, और तब तकर बाद से हम पेंटिंग लऽ कऽ हमर अपन ससुर के लऽ गेलखिन, हमर पिथिया ससुर रौदी पासवान, तो पेंटिंग बिकाय लगलनि, तो ओते गेलखिन दिल्ली, तो दिल्ली से नाम अयलै, ओतऽ से नाम अयलै, तो हमसब अपने से आब से हस्तकला ऑफिस में भारत सरकार के द्वारा से सर हमरा सबके से काज सब भेटा लगले, तो वो ऑफिसो में ले कपड़ा लिखबथिन, कुछ कुछ लिखबथिन, तो हम सब करऽ लगलिए, सब महिला जे महिला सब रहे हमरा अपना टोल में से सब करऽ लगलिए। तकर बाद इएह होइत होइत बढ़ैत बढ़ैत सर, तकर बाद से हमर बर के से लऽ गेलखिन दिल्ली, गेलखिन दिल्ली, गेलखिन तऽ ओतऽ से फेर हम अपना बर के रिक्शा चलानाइ छोड़ा देलियनि, जे काज करऽ लगलियै तऽ सामान सब बिकाय लागल कुछ कुछ, आब अहीं लऽ जइए वएह लऽ जाथिन तऽ पाइ होइ, तऽ ओहिसँ अपन बाल बच्चा के गुजर करैयनि, पढ़ैये लिखैली। जितवारपुर में लगभग हर घर में मधुबनी चित्रकला बनाई जाती है, और यहाँ की एक विशेषता यह भी है कि यहाँ आज भी ऐसे कलाकार हैं जो कागज पर नेचुरल कलर से पेंटिंग बनाते हैं। सबसे पहले जब मधुबनी पेंटिंग बनाने की शुरुआत हुई, उस समय एक्रेलिक पेंट्स नहीं होते थे। उस समय गांव की जो महिलाएं हैं वो अपने पर्यावरण से, परिवेश से जो चीज़ें उपलब्ध होती थी उन्हीं चीज़ों को लेकर कागज पर चित्रकारी किया करती थी, और आज भी कई ऐसे कलाकार हैं जो उस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। हम अपन स्टाइल पुराना नहीं छोड़ा लिया, ढेनी छी हमरा नेचुरल भेले ओ, आ जगह जगह के अबे छथिन सब पूछे छथिन, तो हम अपन ढेनी छी, हमरा अपना निक लगे। जान दियौ हे सासु कोस लरुपैये रे, या खऊ कि भैया गे खऊ कि सुंदरी पुत हुए रे, जान जान सुंदरी पुत हुए रे। Thank you.